तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि अंजू जी जो तैयारी कर रही है इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के तौर पे हम किस तरह के फॉर्मूले सीख लें ताकि बेटर रहेगा, कौन से फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला की प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि आप समझ सकें कि आखिर फॉर्मूले की प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, फॉर्मूले का मतलब है एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल की वैल्यू के साथ कैलकुलेट करना। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वन है, यहाँ पे क्वार्टर टू है, और मुझे क्वार्टर वन में 20 सेल है, क्वार्टर थ्री में 30 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूले मेनूबार में ऑलरेडी बने हुए इनबिल्ट फॉर्मूले हैं जिसका यूज कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम हमें फॉर्मूले की नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ निकालने का मैथमेटिक फॉर्मूला होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो ये मैथमेटिक्स को चलिए हम अपने सिस्टम पे यहाँ डालते हैं। तो ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, देखिए हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया और यहाँ पे 50% आ गया। इस तरह की मैथमेटिकल कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इसमें अब बात आती है कि मैथमेटिक्स के कितने ऑपरेटर्स हैं। वो ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई, इक्वल, प्लस, डिवाइड और एक हमारा एक पावर। चार मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि आपने यहाँ पे डिवाइड और माइनस का इस्तेमाल किया है, उस तरह से सारे चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी है, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड हियर इज द नॉट इक्वल टू। ये जो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब कि मान लीजिए कि मुझे कोई वैल्यू है हमारे पास, मुझे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। तो जनरली इसके लोग इफ यूज करते हैं, लेकिन मुझे जस्ट चेकआउट करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 50, तो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आएगा। रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स, जहां क्राइटेरिया फुलफिल होगा वहां पे ट्रू, जहां पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा वहां पे फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे इफ हम कब यूज करते हैं, इफ फॉर्मूला, जब मुझे इस ट्रू फॉल्स के जगह पे अपने खुद के रिजल्ट चाहिए, जैसे कि ओके, पेंडिंग वगैरह वगैरह। तो यहां पे इक्वल करेंगे इफ, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओके, अदरवाइज पेन, रिजल्ट आपके सामने। तो इफ का यूज, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली इफ के अंदर ही इसको लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू या देन 50, और यहां पे करते हैं ओके, और यहां पे करते हैं पेंडिंग। अब यहां समझ लीजिए कि ये जो हमने लगाया है इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, हम यहां पे दो फॉर्मूले को यहां हम मर्ज कर रहे हैं ताकि हम अलग अलग फॉर्मूले ना लगा सके। क्लियर है जी सर? अंजू जी आपको कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम लिखता हूं और मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट कर देता हूं, मैं यहां से कस्टम सॉर्ट, ताकि सारे नाम, यदि नाम पूजा कई बार रिपीटेड है, सारे पूजा इकट्ठा एक जगह पे आ जाए। तो आ गया।
अब मुझे क्या करना है कि देखिए अमर है, अमर कितने बार है, एक अमर जो है आई थिंक सिक्स टाइम है, तो एक अमर पे यू आए बाकी अमर पे डी आए, इस तरह से। पता करने का मतलब है कि यहाँ मेरे सारे नाम सिक्वेंशली अरेंज है और मैच पहले को मैं एक एक नाम इसमें से लेना चाहता हूँ, मैंने कि यहाँ पे नाम कई बार रिपीटेड है लेकिन एक बंदे का नाम मैं एक बार लेना चाहता हूँ, इससे फिल्टर या कुछ इस तरह का चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, इक्वल इफ हमने बोला कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से, हमने बोला कि ए टू इज इक्वल टू ए वन, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डी दे मतलब कि डुप्लीकेट, नहीं तो यू दे इट मीन्स यूनिक। एंटर प्रेस कीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो हमारा रेंज चेंज होता है, ए टू ए वन है तो यहाँ पे हो गया ए थ्री ए टू, यहाँ हो गया ए फोर ए थ्री। यहाँ आप देखिए आपके सामने ए एट इक्वल टू ए सेवन आपको दिख रहा है, ओके। तो एग्जांपल समझ में आया अंजू जी आपको? जी सर। और सिद्धार्थ जी एक चीज आपके लिए हो सकता है नया हो और आपको समझ में ना आए, तो आप जस्ट ट्रेनिंग को ऑब्जॉर्व करें क्योंकि आप एज डेमो ज्वाइन किए हैं। यस सर। जब आपकी कोर्स शुरू होगी तो उसको सब चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यस लिखा है सी द पैटर्न इन फिल द ब्लैंक, ठीक है 50 70 80 81 70 बन जाएगा। अब इसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर सीरियल नंबर देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अगेन फिर 1, हर नाम को एक सीक्वेंस देना है। तो यहाँ हम सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ भी 45 50 घटते हुए पाँच पाँच घटा देंगे 45 40 35। सामने वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाए ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन, अदरवाइज वन से स्टार्ट हो। हमने बोला कि अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करके सिक्वेंस को कंटिन्यू करें, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर दें, और नीचे ट्रैक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा सिक्वेंस आ जाए। अब सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि मैं यहाँ सीरियल नंबर नेम और भी एड्रेस वेड्रेस भी हो सकता है, हटते क्रम में लिखना है ना, 45 है, 45 से 40 छोटा है या बड़ा है? छोटा। 40 35 छोटा है बड़ा है? छोटा। फिर यहाँ पे छोटा वाला लिखा है ना, 35 में छोटा क्या आएगा? 5 पे गैप है ना, 45 और 40 में कितने आएंगे गैप है? तो मैं इसे 1 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे नाम दे दिया पूजा, राइट। और मैं जैसे यहाँ पे नाम डालूंगा इंदर तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आना चाहिए, 35 का गैप है ना, 45 एंड 40 में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? 45 minus 40 करें। हमने बोला सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैंक सेल इक्वल टू 0 होता है। नहीं यहाँ पे 30 35 5 5 कम होते जाएगा, और यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर दो अदरवाइज ब्लैंक कर दो। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई, मेरा बेटा आ गया, आजकल तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो मेरे साथ ही पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको नीचे के तरफ ड्रैग, जैसे मैं यहाँ पे उदय लिखूं
यहाँ पे उदय का आ गया 3, ओम लिखूंगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया कि सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो, ए 3+1, ठीक है, क्लियर है जी सर। तो इफ समझ में आ गया आपको, इफ में कोई दिक्कत है? नहीं सर। सिंपल से बात समझिए कि इफ फॉर्मूला में एक होता है लॉजिकल ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू हुआ तो ए शो करेगा, फॉल्स हुआ तो ए शो करेगा। अब चलिए अब बात करेंगे हम, अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे 50-60 के बीच में आए तो 500, अदरवाइज 0। मैं यहां पे मान लीजिए सेल्स से हमारा, और यहां पे मैं इंसेंटिव देना चाहता, तो 55-60 हुआ तो 500/0 देना है। तो यहां हम इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसको सिलेक्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इफ इफ में इफ 18 इक्वल टू हम ग्रेटर देन 50 करते हैं 60 कैसे होगा? तो यहां पे दो कंडीशंस है। जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो तो उस केस में हम एंड या और यूज करते हैं। बट यहां पे क्या है कि दोनों रिक्वायर्ड है, यहां पे ऑप्शनल नहीं है, दोनों रिक्वायर्ड है। तो यहां पे हम एंड का यूज करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अदरवाइज हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला अगर लेस देन इक्वल टू 60 है, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ इसको हम इफ फॉर्मूले के अंदर में डालेंगे और यहाँ पे 500 अदरवाइज 0 करेंगे। तो एंड का यूज हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए करते हैं, बट एंड जो है हमें ट्रू एंड फॉल्स देता है। जब ट्रू एंड फॉल्स मिला तो उसके बिहाफ पे हम इफ की मदद से अपने कंडीशंस शो करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक मिनट, 60 नहीं 80 गलत था वहां पे। इसी तरह से और की बात करें तो मैं यहां पे मान लीजिए कि डेट देता हूं और इस डेट को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे है, अगर हो तो वीकेंड शो करना है, अगर सैटरडे एंड संडे ना हो तो हमें यहां पे देशों का। तो एक टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला होता है जो कि इस पे अगर मैं 3 बार डीडी कर दूं तो यहां पे आपका सामने ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से शो कर देगा।
और इसके आगे फिर हम यहाँ पे देंगे इफ और लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से दोनों में सैटरडे एंड संडे में से कोई एक हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सैटरडे कॉमा वापस इसको लिया इक्वल टू हमने कर दिया संडे। अगर दोनों हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज दोनों में से एक हुआ तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आप ट्रू आया तो वीकेंड्स, अदरवाइज वीक डे। समझ गए जी? तो आपको आज जो मैंने समझाया वो समझाया इफ एंड और तीनों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। एक बार ये स्क्रीन सर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी शुरू कर दूंगा। देखिए दोनों ये जो फॉर्मूले हैं नॉट फॉर इंटरव्यू, ये आप जी सर रियल लाइफ के भी एग्जांपल्स में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, काफी ज्यादा। सो इसका ध्यान आप रखेंगे तो मैं चाहूंगा कि आगे सीखने से पहले इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर ले आप। जी सर। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल हम बाकी फॉर्मूले के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। ओके सर।